हो गया। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द बुक्स, व्हाट आर द आउटकम्स विल बी देयर आफ्टर कंप्लीटिंग आवर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। We already discussed about the brief introduction of industrial engineering. We discuss about the definition of American Institute of Industrial Engineering, about industrial engineering subject. From today onward, we are going through our subject purely depending upon industrial engineering topics and syllabus. Before going through the subject, I wish to revise your definition regarding industrial engineering. What we have discussed yesterday, that industrial engineering can be defined as profession in which a knowledge of mathematical and natural science gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop the ways to utilize economically the material and other natural resources and forces of nature for benefiting of mankind. This is a general industrial engineering definition, but the main definition and which you will write in your examination, that according to American Institute of Industrial Engineering, that industrial engineering is concerned with design, comma, improvement and installation of integrated system of main material engineering and equipment. We discussed yesterday that MMEE, the first M stand for man, material engineering, sorry, energy, and equipment. In whole industrial engineering subject, we will focus in these four terms, that is main, material, energy and equipment. Means how efficiently you will go to organize men, your allowable material, your available energy and your available equipment, so that your industry will grow and get more and more profit. ठीक है, यानी हम लोग इन चारों पे फोकस करेंगे, मेन, मटेरियल, एनर्जी और इक्विपमेंट पे, ताकि हम जिस फर्म में एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो। यानी हम लोग किस तरीके से मेन, यानी जो हमारे लेबर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज वे में काम या वर्क उनको दिया जाए, ताकि जो टाइम का लॉस हो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी में डिक्रीमेंट आएगा उसको हटा सकें। ऐसे ही मटेरियल भी हम लोग ऐसे चूज करें, स्पेसिफिक भी हमारा ऐसा रहे कि इसमें वेस्टेज ना हो, नो वेस्टेज कंडीशन। अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो हमारे फर्म को लॉस हो सकता है। ठीक है, एनर्जी मीन्स द एनर्जी यू हैव। से फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपके पास है
तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेस्ट इफेक्टिव वे में कैसे यूटिलाइज किया जाए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा ना आए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। बड़ी बड़ी कंपनियों में इस एनर्जी को खुद फर्म के अंदर ही डेवलप किया जाता है, जनरेट किया जाता है। जैसे अगर आप किसी बड़े शुगर प्लांट में जाएंगे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी वो अदर स्टेट से या सेंट्रल से जो लेने वाले हैं उसके कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ उनको प्रॉफिट होता है। तो ये किसका काम है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम है कि वो अपने फर्म को बताए कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करें या एनर्जी को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें इन द मिनिमम कॉस्ट एंड लास्ट इक्विपमेंट जो हमारा है, यानी अगर एक लेथ मशीन है, एक लेथ मशीन पे एक जॉब बनाने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो फिर हम लोग कैसी इफेक्टिवली उसको आगे भी काम कराएं कि लेथ मशीन में कोई ख़राबी भी ना हो और जो हमारा जॉब है, जो हमारा स्पेसमैन है वो उस रिक्वायर्ड टाइम में बन जाए। सिर्फ एग्जांपल, अगर लेथ मशीन हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे तो उसके डिफरेंट पार्ट्स में फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यूटिलाइज करेंगे ताकि लेथ मशीन पे मैक्सिमम जॉब ऑपरेट हो और इसमें कोई खराबी भी ना आए, ठीक है। मींस इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेन मेटेरियल एनर्जी एंड इक्विपमेंट इन ऑल योर कोर्सेज थ्रू आउट द 4 यूनिट, गॉट इट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यूज क्या हो सकता है। हाँ, साथ साथ में आप लोग डिफिनेशन नोट करते रहेंगे, एक बार रिवाइज और कर दे डिफिनेशन आपको, दोज हु वांटेड टू राइट, दो इट इज थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बट न्यूमेरिकल इज सो लेस सो दैट आई एम डिक्टेटिंग फॉर यू एंड यू विल राइट द डिफिनेशन पैरेलली विद द वीडियो। नाउ आई एम रिपीटिंग द डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सो दैट यू कैन राइट, स्टार्ट राइटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद डिजाइन कॉमा, डिजाइन के बाद कॉमा, इम्प्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेन मटेरियल एनर्जी एंड इक्विपमेंट, फुल स्टॉप। दिस इज द सिंपल एंड इजी डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड यू हैव टू राइट इन योर एक्सटर्नल एग्जाम। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। Writing point wise, got it? लिखेंगे point wise. It draws industrial engineering uses of industrial engineering topic uses, कहाँ use कर सकते हैं, अब point wise लिखते चलेंगे। दो it is a theory subject, initially you will get bored but later on you will enjoy in our subject. It draws upon स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल इन मैथमेटिकल फिजिकल कॉमा फिजिकल साइंस टूगेदर विद द प्रिंसिपल एंड मैथड ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन टू स्पेसिफाई एंड इवोल्यूट द रिजल्ट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच सिस्टम। मीन्स अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यू विल
बी स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिकल मैथ और MATH मैथ एंड फिजिकल साइंस, वाई इन मैथ एंड फिजिकल साइंस विद द हेल्प ऑफ योर मैथमेटिकल नॉलेज यू विल अलॉट द बेस्ट वे फॉर योर इन्वेंट्रीज फॉर योर मेन सो दैट देयर विल बी मिनिमम लाइन लॉस. वी विल डिस्कस व्हाट इज लाइन लॉस लेटर, बट मार्क द वर्ड लाइन लॉस. मिनिमम लॉसेज और लाइन लॉस विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वी विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. वाई फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस यू विल अलॉट मैन एंड इन्वेंट्री सो दैट मैन आर फिजिकल क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स इट गेट सम वेट और पोजिशन. Now you will allot a work according to qualification of the specific labor and you will allot a specific space for your inventory. If your inventory in a haphazard manner, means in random manner, so your space allotted will be more. अगर हम लोग ज़्यादा स्पेस अलॉट कर देंगे कम इन्वेंट्री के लिए तो वो भी हमारे लिए लॉस है, ठीक है. और अगर हम लोग अपना सिस्टम ऐसे डेवलप करें कि जो मेन है, जो लेबर हैं, स्किल एज वेल एज अनस्किल लेबर, तो हम लोग ऐसा भी ना अलॉटमेंट करें कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा काम हो और कुछ लोगों के पास काम ही ना हो, ठीक है. तो ये भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि कैसे उस व्यक्ति का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करें, ठीक है, कि वो खाली ना बैठे उस दरमियान. वैसे ही इन्वेंट्री के लिए भी, अगर हमारे पास कम जगह है, स्पेस है इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री मतलब जो हमारे रॉज मटेरियल हैं, यानी जो हमारे मटेरियल हैं हमको इंडस्ट्री में यूज करने हैं, ठीक है. तो अगर कम स्पेस है तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री को हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है, गॉट इट. और क्या है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड नॉन वैल्यू एडिंग मींस अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन एंड इम्प्रूविंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट वाइज लिख रहे हैं हम लोग. आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस लेटर. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन. वेस्ट एंड नॉन वैल्यू ऑपरेशन मीन्स इफ यू आर गेटिंग अ रॉ मटेरियल एंड इफ देयर इज मोर वेस्ट, अगर हम लोग उसमें से उसकी कटिंग ऐसे करें कि जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा निकल जाए और जो एंड प्रोडक्ट है वो कम हो, तो भी हम लोग को लॉसेज ही होंगे क्योंकि वो वेस्ट हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. अनलेस रेंटिल अगर उसको रिसाइकिल करके फिर वैसे रॉ मटेरियल बनाएं तब, ठीक है, तो अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए लॉस है, ठीक है. तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, बाय डिक्रीजिंग वेस्ट
एंड ऑल्सो बाई डिक्रीजिंग अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन मीन्स इफ ऑपरेशन इज गोइंग ऑन लेथ मशीन एंड यू विल गेट नथिंग. नथिंग मीन्स यू आर मेकिंग अ जॉब एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज रिजेक्टेड बाई योर क्वालिटी इंजीनियर, देन इट इज अ अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन. यानी हम लोगों ने वो जॉब तो परफॉर्म किया, जो इन प्रोडक्ट बना वो भी हम लोग बनाए, बट वहां पे क्या हुआ, क्वालिटी उसकी कम है, तो क्वालिटी कम होने की वजह से वो तो रिजेक्ट हो गया. तो ये क्या है, अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन है. इसमें मशीन पे जो वर्क हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसका बिल वो भी हमारा लिए वेस्ट है. जो टाइम था, टाइम फॉर मेन एज वेल एज अवर लेथ मशीन, वो भी हमारा क्या है, वेस्ट है. ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करना है. यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर. ठीक है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज देखते रहेंगे. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लेस अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर एंड देयर नीड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्टिविटीज. मीन्स एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर you have to equate your labor as well as your superior. Means you are the balance between your management and your worker. Means you have to understand your worker. Ultimately your worker run the industry, so that if you emphasize on your worker then you will get more productivity. Got it? But you have also get balance with your superior or your management. Got it? Samajh mein aaya? यानी हम लोग इतना भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इतना भी वर्क अपने वर्करों को नहीं दे सकते ताकि हम लोग की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो. ठीक है, अपने मैनेजमेंट खुश करने के लिए एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर इंजीनियरिंग हम लोग वर्कर पे इम्फेसाइज करेंगे, वर्कर्स पे इम्फेसाइज करेंगे, बट विद द बैलेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट के साथ बैलेंस में भी रहेंगे. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स क्या है, एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्टिविटी एंड टेक्निक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स. फर्स्ट एक्टिविटी डिजाइनिंग ऑफ जॉब्स फर्स्ट एक्टिविटी. Designing of jobs, which job
you are going to produce, you have to first design. You will discuss in your next semester a subject, machine design, in which designing of job will be there. Designing of machine will be there. Got it? Designing of jobs include determining the most economical way to perform work. In the best economical manner, you should work and perform your duty. यानी economical manner में हम लोग को वो अपनी duty perform करनी होगी. Second, setting performance standard and benchmark for quality, quantity and cost. Quality, quantity and cost. Benchmark for quality, quantity quality quantity and cost. Means the quality of your product will be high so that you can compete in your market. The quantity, the how much quantity you are going to make. And last, in the economical ways, and this is cost. Cost of your product, the cost will be minimum and quality will be maximum. Got it? अपने product की cost को for compete in market, cost को हम लोग reduce करेंगे और quality को increase करेंगे. ठीक है, quality को increase करेंगे और cost को reduce करेंगे तो ही हम लोग market में survive कर पाएंगे. So we should make a benchmark for quality, quantity and cost. उसी हिसाब से आप अपने जो worker हैं उनको perks, wages भी दे सकते हैं. Last, designing and installation facilities. Designing and installation facilities. ठीक है, तो designing and installation facilities include, if you have only one room for your setup of industry, initially if you have less cost and less money and you allotted a single room for setting up industry, so you will or you must buy a small machine so that maximum number of work will be performed. If you will buy a large machine and it will take a one room, so how will you do your work? So designing and installation will be like कि हम लोग उसको अच्छे से मैनेज वे में इंस्टॉल कर पाएं मशीनरीज को, इन्वेंटरीज को.
इन्वेंट्रीज को अच्छे से मिनिमम स्पेस में रख पाएँ और हमारे जो इक्विपमेंट है उसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाएँ। से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ओपनिंग अ कंप्यूटर सेंटर देन यू शुड हैव अ सफिशियंट कूलिंग फॉर योर सीपीयू, सो यू शुड इंस्टॉल अ एसी, फैन, वेंटिलेटर। इफ़ दीज आर नॉट देयर, अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कूलिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। एरिया पे भी डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन हमारा कैसे हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन। Of industrial engineering, evolution of industrial engineering. But there's less time. We will discuss in next lecture. But before leaving the video, I will discuss a famous mechanical engineer Henrik W. Taylor. A famous mechanical engineer at that time. He is also called as father of industrial engineering. Of industrial engineering. We will discuss how he became the father of industrial engineering, what he had done for evolution of industrial engineering. Mechanical engineer, and at the time of his working, he worked in blast furnace operation. He designed shovel, SHOVEL, that is popularly known as belcha. You heard about belcha. At that time, the time of Henrik W. Taylor, shovel was not in a proper shape so that the labor will do work in efficient manner. तो labor इस shovel की सहायता से efficient way में काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने Henrik W. Taylor ने shovel को ऐसे design किया कि उससे maximum work हम लोग labor से करवा पाते थे और मिनिमम स्ट्रेस होता था बॉडी पे, ठीक है। तो इसकी सहायता से उन्होंने 20% के अराउंड जो लॉस होता था वर्क में उसको रिड्यूस किया। वी विल डिस्कस इट लेटर इन ब्रीफ
the evolution of industrial engineering and what the Henrik W. Taylor did. That's all for now. Thank you.